इस वीडियो में मैं आपको पीएचपी की सेटिंग्स कैसे की जाती है उसके बारे में जानकारी दूंगा। पीएचपी एक सर्वर साइड सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन उसको आप लोकल मशीन पे भी चला सकते हैं। उसके लिए आपको एक स्पेशल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसे कहा जाता है वेब सर्वर। तो मैं आपको एक फ्री वेब सर्वर है जिसका नाम है अबायस वेब सर्वर, आपको ये इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। अब आप सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस टाइप करिए aprelium.com, ये इसकी वेबसाइट है, इसमें एंटर करेंगे तो यहाँ देखिए अबायस वेब सर्वर लिखा हुआ आ गया। कंपनी का नाम aprelium है। यहाँ पर आप डाउनलोड देख सकते हैं, इस डाउनलोड पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने पर यहाँ साइड में आपको दिखा रहा है PHP फॉर विंडोज़ की, इतने किस्म की PHP पर ये काम करेगा, यानी कि सारे अलग अलग वर्जन्स पे। हम यहाँ पर फ्री डाउनलोड यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर तीन ऑप्शंस आ गए हैं कि आपको विंडोज़ के लिए चाहिए, मैकिंटोश के लिए चाहिए या लिनक्स के लिए चाहिए। हमें विंडोज़ के लिए चाहिए तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि 2.4 MB का ये डाउनलोड कम्प्लीट हो गया है। अब आप इसको शो इन फोल्डर करेंगे तो ये ऐसे करके ये फाइल यहाँ पर आ गई है। इसको डबल क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल होने के बाद अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पर आके आप लिखेंगे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिखकर आप जैसे एंटर करेंगे तो देखिए आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी, वेलकम टू अबायस वेब सर्वर। तो अगर ये स्क्रीन डिस्प्ले हो गई, इसका मतलब है कि अबायस वेब सर्वर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हो गया है। अगर आपको PHP डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आके यहाँ लिखेंगे आप php.net और इसकी वेबसाइट से, PHP की ये वेबसाइट ऐसे खुल जाती है और इस वेबसाइट से आप PHP डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको उसको सेटिंग्स करना सिखाऊंगा कि PHP और अबायस वेब सर्वर का कनेक्शन कैसे होता है, क्योंकि ये कनेक्शन नहीं करेंगे तो PHP काम नहीं करेगा। धन्यवाद।